कभी कभी क्लासरूम याद रहता है और कभी कभी क्लासरूम का पुराना पंखा जिसकी आवाज घूम 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 करके आती ही रहती थी। ये बात उस जमाने की है जब मुझे सब्जी वाले पौधों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे शौक ही नहीं था कि मैं सब्जी घर में उगाऊं। सबसे पहले मेरा गार्डनिंग का शौक पैदा हुआ एक बॉन्साई को लेकर। वीडियोस के अंदर और तस्वीरों के अंदर मैं छोटे छोटे से दरख्त देखता था जो छोटे छोटे गमलों के अंदर लगे हुए और उनकी उम्र भी काफ़ी होती थी और देखने पर वो ओल्ड दरख्त ही दिखते थे। मुझे शौक पैदा हुआ क्यों ना मैं बॉन्साई ही बनाकर देखूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बॉन्साई किस तरह के पौधों को बना सकते हैं। लेकिन मैं एक नर्सरी के ऊपर गया, अपने घर के करीब एक नर्सरी थी उस ज़माने में, लेकिन अब तो नहीं है वो। तो नर्सरी में जाकर मैं पौधों को देखने लगा और नर्सरी के मालिक ने मुझे बोला कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो मैंने उसको जब बताया कि मुझे बॉन्साई का पौधा चाहिए, तो फिर मैंने उसको बताया कि मुझे कुछ ऐसा पौधा चाहिए जिसकी लुक ओल्ड दिखे, एक छोटे से गमले के अंदर हमने लगाया हो और वो देखने पर ऐसे लगे जिस तरह हम पुराने दरख्त को देख रहे हैं। तो फिर उसकी समझ में थोड़ा बहुत आया और उसने मुझे सजेस्ट किया क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा, जिसको हम लोकल ज़ुबान में करौंदा कहते हैं। इसको वाइट रंग के फूल भी लगते हैं और फूल खिलने के बाद में इसके अंदर से लाल रंग का एक फ्रूट भी बन जाता है, जो कि अचार बनाते टाइम भी उसको यूज़ किया जाता है अचार में, मतलब खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है करौंदे का फ्रूट। करौंदा दो किस्म का होता है, एक करौंदा बेल वाला होता है और एक बुशी प्लांट होता है। ये है बुशी प्लांट जिसका नाम है इंग्लिश में क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा। जब भी इसका नाम आए या इस पौधे को मैं देखता हूँ तो मुझे पुरानी याद आने लगती है। कई सालों पहले मुझे इसी से अपनी गार्डनिंग का आगाज़ करना पड़ा था एक बॉन्साई को लेकर। बहुत सारे मुख्तलिफ पौधे मैंने उगाए, लेकिन जो मज़ा मुझे इसको ग्रो करने में आया वो किसी और पौधे में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत सारे पौधे ये मैंने सेल भी किए हैं और एक रिटर्न आ गई थी मुझे, क्योंकि मैंने दराज के ऊपर पूरे पाकिस्तान में पौधे सेल भी किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर दराज की सही सर्विस नहीं है या कस्टमर के पास पार्सल पहुंचते पहुंचते एक हफ्ता या दो हफ्ते भी लग जाते हैं। तो जब कस्टमर के पास पौधा गया और उसको बिल्कुल मुरझाया हुआ पौधा दिखा, बिल्कुल एक टहनी सी थी छोटी सी और उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं था, तो उसने रिटर्न कर दिया तो मेरे पास आ गया। ये मेरे पास पड़े हुए तकरीबन ये 5 महीने से ऊपर हो गए हैं। अब आकर इसकी ग्रोथ देखिए शुरू हो गई है। जैसे इसको मैंने डिलीवर करवाया था वैसे ही उसी पॉलीथीन बैग के अंदर ही ये पड़ा हुआ है तब का। जब याद आता है तो मैं इसको थोड़ा सा पानी दे देता हूँ और पानी भी ऐसा कि इधर से मैं पानी डालता हूँ वो फौरन नीचे से ड्रेन हो जाता है, इसके सुराहों से बाहर निकल जाता है। मिट्टी आप देख सकते हैं किस हद तक मिट्टी खुश्क है और इसकी जड़ें भी ग्रोथ कर रही हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी नमी है तो इसकी रूट निकल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको गमले के अंदर लगा दूँ, और ये इतना हार्डी प्लांट है कि 100% इसकी मिट्टी खुश्क भी हो जाए तो पौधा जल्दी आपका मरता नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा, इसके पत्ते थोड़े से कड़क हो जाएंगे, जो ग्रीननेस है सॉफ्टनेस है इसके अंदर वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और पत्ते कड़क हो जाएंगे, लेकिन ये जल्दी मरेगा नहीं। ना कम पानी से ये जल्दी मरता है ना ज़्यादा पानी से ये मरता है। तो इसलिए जो बॉन्साई लवर हों, जिनको शौक हो कि हमारे घर में एक ऐसा छोटे से गमले के अंदर पौधा लगा हो और वह एक दरख्त की सूरत भी दे, तो फिर क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा यानी करौंदे का पौधा आप लगा सकते हैं। लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो बढ़ती है, मान लीजिए 1 साल के अंदर 4-5 इंच ही बढ़ सकती है, वो भी सिर्फ गर्मी के दिनों में। सर्दी के दिनों में इसकी कंप्लीट ग्रोथ रुक जाती है, नए पत्ते नहीं आते, बल्कि जो नए पत्ते लगे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता से वो पीले होने लगते हैं, देन सूखने लगते हैं, उसके बाद में गिर जाते हैं। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ही इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और ये ग्रीन रहेगा। दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है जिस तरह हम फाइकस के पौधे को देख रहे हो, जिस तरह का ये फाइकस का पौधा है। फाइकस का पौधा हो क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा का पौधा हो, ये दोनों देखने पर एक जैसे ही लगते हैं दूर से, लेकिन जिनको पहचान है वो तो समझ ही जाते हैं। मुझे इस पौधे से यकीन मानिए बहुत ही प्यार है। आई थिंक मैंने पहली बार क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा के ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाई होगी। कुछ सालों पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन इतनी मोहब्बत के साथ वीडियो नहीं बनाई थी, बस मैंने बताया था क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा बॉन्साई के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे मेरी कहानी शुरू होती है, मेरी पुरानी यादें इसी से जुड़ी हुई हैं। चलिए आज इसको गमले के अंदर शिफ्ट करते हैं। इसके लिए मिट्टी का ही गमला मैं यूज़ कर रहा हूँ। मिट्टी के गमले के अंदर सबसे अच्छी ग्रोथ रहती है पौधों की। अगर बिलफर्ज अगर आपके पास ये ना हो, आप वज़न कम डालना चाहते हो अपनी छत के ऊपर, तो फिर प्लास्टिक के गमलों के ऊपर भी डिपेंड किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक के गमलों के अंदर पानी के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पानी ज़्यादा मिलने की वजह से ही हमारे पौधों की जान जाती है और मिट्टी के अंदर फंगस और कीड़े एक्टिव होते हैं, इसलिए मिट्टी के गमले अगर आपके पास हैं तो फिर तो क्या ही बात है।
ये गमला तकरीबन 5 इंच या 5.5 इंच का होगा। थोड़ी सी पहले मैं मिट्टी ऐड करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं मुट्ठी से दबा देता हूँ, एक बेड बना देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा जब हम पौधा लगा देंगे और मिट्टी में पानी डालेंगे तो एकदम से वो नीचे से जो होल होता है वहाँ से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद में उसको थोड़ा सा मुट्ठी से दबा दें ताकि वो सतह थोड़ी सी सख्त हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी नरम मिट्टी हम ऐड कर देंगे, इसको दबाएंगे नहीं। इसके लिए 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर, बल्कि कोई सा भी पौधा हो, सैक्यूलेंट और कैक्टस के पौधों को छोड़कर कोई सा भी सब्जी वाला पौधा हो, फ्रूट वाला पौधा हो, हाउस प्लांट हो, पाम फैमिली से ताल्लुक रखने वाला कोई पौधा हो, स्पाइडर प्लांट हो, कुछ भी हो, आपने 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर लेना है। लेकिन गोबर भरीक वाला होना चाहिए। मिट्टी में मिक्स करने के बाद उनमें पौधों को शिफ्ट किया जा सकता है। ये मिट्टी कराची की है, कराची की बालू मिट्टी जिसको सैंडी सॉइल कहते हैं। ये बची हुई मिट्टी है, गमलों में से निकली हुई मिट्टी, पुरानी मिट्टी है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिन पौधों की ज़्यादा ग्रोथ आप चाहते हैं और चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ ज़्यादा लंबे अरसे तक हरी भरी रहे, तो आपको नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। नाइट्रोजन गाय के गोबर के अंदर भी भरपूर पाया जाता है। हर 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद आप गाय के गोबर की 1 मुट्ठी लीजिए, गमले के ऊपर डालिए, गोडी कीजिए और पानी दे दें। इस तरह पौधे की हरी भरी ग्रोथ चलती रहेगी और इनके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल बनता रहेगा। नाइट्रोजन मिलने की वजह से इनके पत्ते जल्दी खुश्क नहीं होंगे, पीले होकर गिरेंगे नहीं। तो ये छोटी सी मिट्टी के बाउल के अंदर ही ग्रोथ कर रहा है और इसकी उम्र तकरीबन 1 साल होगी इस टाइम। क्योंकि ये एक स्लो ग्रोथ करने वाला पौधा है, इसलिए इसकी ग्रोथ को ज़्यादा बूस्ट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये अपनी ग्रोथ को खुद ही बढ़ाएगा धीरे धीरे से। हर किसी की एक अपनी कहानी होती है। जब आप हाई स्कूल में जाते हैं तो एक कहानी ज़रूर होगी। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो उसको भूल नहीं पाता। कभी कभी दोस्त अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी टीचर अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी क्लासरूम याद रहता है और कभी कभी क्लासरूम का पुराना पंखा जिसकी आवाज़ घूं 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 करके आती ही रहती थी। कभी कभी ऐसी आवाज़ मैं सुनता हूं तो मुझे स्कूल की याद आने लगती है। गर्मी के दिन में पंखे की आवाज़ घूं घूं करके आती और हल्की हल्की सी नींद भी छाई होती थी हमारे दिमाग पर, और ऊपर से लेक्चर भी जारी होता था। तो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में याद रहता ही है। तो बोनसाई के लिए मुझे ये पौधा कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकेगा। करौंदा नाम लेने से मुझे ज़्यादा कोई खुशी नहीं मिलती है जितना मुझे इंग्लिश नेम लेने में मिलती है, क्योंकि नर्सरी वाले ने फर्स्ट टाइम ही मुझे इसका नाम इंग्लिश में ही बताया था, इसलिए उसने इसका नाम मुझे क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा बोला। और जब मैंने पौधा ख़रीद लिया तब मैंने तकरीबन ये पौधा 20 रुपये का ख़रीदा था। इसी हाइट में होगा या इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। घर में लाने के बाद में मैंने नेट के ऊपर खूब सर्च की उसकी कि क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा को कौन सा क्लाइमेट अच्छा लगता है, किस कंडीशन में वो रहता है, इसका ग्रोथ रेट क्या है, इसको फल लगता है, फूल लगता है, फ्रूट लगता है, क्या होता है इसके साथ, सब कुछ A to Z मैंने इसके बारे में पता किया। तब मुझे पौधे की अच्छी केयर करने के बारे में पता चला। वो नर्सरी वाले अब पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल बंदे थे वो, पढ़े लिखे बंदे थे, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, देसी नेम, सब कुछ उनको पता था पौधों के बारे में। चलिए जनाब, इसको अब थोड़ा सा मैं पानी दे देता हूँ। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बस अपनी एक कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आपको प्यार हो इस पौधे के साथ, इसकी शेप बहुत प्यारी लगती है। अभी तो इसकी नई ग्रोथ बढ़ रही है ना, जैसे ही ये ज़्यादा बुशी पौधा बन जाएगा इसकी पत्तियों के खिलने का अंदाज़ कुछ इस तरह का होगा जिस तरह के गुलाब की पत्तियाँ खिल रही हों, फूल खिले हों, जगह जगह से नई शूट्स निकल रही होती हैं, इस तरह जिस तरह फूल खिले हों बहुत सारे। और बरसात के मौसम में जब जुलाई अगस्त सितंबर का महीना आता है तो इसके अंदर से वाइट कलर के फूल भी निकलते हैं जिसकी 4 पेटल्स होती हैं या 5 पेटल्स होती हैं। बारीक बारीक सी पेटल्स होंगी, बारीक सा फूल होगा, लेकिन उसके अंदर से बहुत ही खुशबू आती है, जिस तरह चमेली के फूल से आती है ना, जिस तरह मोतिया का फूल हो गया, इस तरह की ही खुशबू, मिलती जुलती खुशबू होती है उनकी। ये शेडी एरिया में भी ग्रोथ करता है, फुल धूप में भी ग्रोथ करता है। एक पत्ता इसका खिला रहे तो तकरीबन 3 से 4 महीने तक एक पत्ता खिला रह सकता है इसका। इसलिए ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। उन लोगों के लिए जिनको बॉन्साई बनाने का शौक हो या ऐसे लोग जो चाहते हो कि हमारे पौधे हरे भरे हर टाइम दिखते रहें और उनकी केयर भी बहुत कम करना पड़े, उनको खादें भी बहुत कम देनी पड़े, तो फिर उनके लिए ये पौधा सजेस्ट किया जाता है, करौंदा क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा। आप भी इसका नाम इंग्लिश में ही लें, मुझे बहुत ही पसंद है इसका नाम।
अब इसको मैं रख दूंगा फुल धूप में। लेकिन मेरे इस टेरेस के ऊपर ट्रॉफिकर गार्डन के ऊपर ज़्यादा धूप नहीं आती है, क्योंकि ऊपर ग्रीनेट डाला हुआ है मैंने, तो यहाँ पर भी रख सकता हूँ। इसके पत्तों की ग्रोथ अब बढ़ने लगेगी क्योंकि अब इनको ज़्यादा स्पेस मिल गई है। क्रिसिया ग्रैंडीफ्लोरा पर बात शुरू हुई थी और क्रिसिया ग्रैंडीफ्लोरा पर ही बात ख़त्म करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।